लगभग दो साल के बाद नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त संजय चौहान की अध्यक्षता में मुरादाबाद के सभी पार्षदों ने सड़क टूटी होने के साथ साथ सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों की कमियों को लेकर सवाल खड़े करे। साथ ही ये कहा गया है कि समस्याएं बहुत हैं और इन समस्याओं को लेकर नगर निगम जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। महापौर ने विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो वहीं कुछ पार्षदों ने कहा है कि पूर्व मेयर हुमायूं कदीर की याद में जो है जामा मस्जिद के पास एक स्मृति द्वार बनाया जाए, जिस पर नगर निगम ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर भी काम किया जाएगा। कुल मिलाकर कहीं नोकझोंक भी दिखाई दी और कहीं समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही गई। सभी का ये कहना था कि क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, इन समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और समाधान भी किया जाए। सोमवार को मुरादाबाद के नगर निगम पर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी पार्षदों ने शहर की अनेक समस्याओं को उठाने का काम किया। टूटी सड़कें और सफाई व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी पार्षदों का ये कहना था कि शहर में सीवर लाइन का काम संपन्न होने के बाद सड़कें टूटी हुई हैं। साथ ही सड़कों में गहरे गड्ढे होने के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की कमी है और सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। साथ ही कई पार्षदों नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए, जिन पर महापौर और नगर आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। पार्षदों का यह भी कहना था कि नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जहां से सभी लोग उस स्थान का प्रयोग करें और नगर निगम को आमदनी भी हो। पार्षदों ने नगर निगम के कई अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि ठेकेदार से लेकर सुपरवाइजर तक कोई तवज्जो नहीं देता और काम के लिए कहा जाता है तो टाल दिया जाता है। ऐसी कई समस्याएं पार्षदों ने महापौर और नगर आयुक्त के सामने रखी। बैठक के दौरान गर्मा गर्मी का माहौल भी बना रहा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में विधायक हाजी इकराम कुरैशी, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी मौजूद रहे। मुरादाबाद का लक्ष्य नगर निगम का बहुत श्रेष्ठ है और पूरी योजना स्मार्ट सिटी की है। स्मार्ट सिटी का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, उसकी समर्थया 70% DPR बनकर के स्वीकृति भी हो गई है और शेष बची है उसकी भी DPR बन चुकी है। उसके अंतर्गत जितने भी मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें आ जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान भी उसके अंतर्गत स्वमेव स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। दो वर्ष के अंतराल के बाद नगर निगम बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई। बोर्ड की मीटिंग काफी हंगामेदार रही। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट, पानी, सड़क और हाउस टैक्स आदि मुद्दों पर प्रस्ताव रखे गए। सोमवार को नगर निगम कार्यालय पर बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त संजय चौहान, अपर नगर आयुक्त गंभीर सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, समस्त पार्षदगण इस मीटिंग में शामिल रहे। मीटिंग की शुरुआत में शहर की कई समस्याओं पर चर्चा की गई। उसके उपरांत हाउस टैक्स को लेकर मीटिंग में कहा गया कि कोरोना काल के चलते हाउस टैक्स वसूल की प्रक्रिया थमी हुई है, इस प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर हाउस टैक्स वसूली के लिए कैंप लगाए जाएंगे। तो वहीं मीटिंग में शहर की खस्ताहाल सड़कों, पानी आदि व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कई पार्षदगणों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रस्ताव रखे। वहीं मीटिंग के दौरान आज वर्ष 2021-2022 के लिए जो बजट था प्रस्तावित, आज सदन ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी। अब जो विकास कार्यों की गति थोड़ी रुकी भी थी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पथ प्रकाश हो, जल का हो, ये सब समस्याएं आज माननीय पार्षदों ने नगर के विषय में उठाई थी। आज उसका सबका अनुमोदन हो गया और अब कल परसों में उसके टेंडर शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि इस महीने के अंत तक महानगर में विकास के कार्यों की शुरुआत तेजी से हो जाएगी और जलकल के करीब 8,27,00,000 के काम, लाइट का लगभग 1.5 करोड़ के काम, सड़कों के लगभग 15 करोड़ रुपये के काम, नालों के लगभग 1 करोड़ के काम और सफाई से संबंधित अन्य लगभग 21 करोड़ रुपए के कार्यों को आज फाइनल अनुमोदन हुआ है। ये नगर
प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के, योगी जी के और अपने सभी लोगों के एक स्मार्ट सिटी के लिए भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं। वो अलग है स्मार्ट सिटी के कार्य, ये नगर निगम के हैं केवल। लगभग तुम कितने का बजट पास हुआ है? आज लगभग 322 करोड़ का बजट, 322 करोड़ का अनुमानित आज मंजूर हुआ है, जिसके अंदर 150 करोड़ रुपए के निर्माण के कार्य होंगे और 150 करोड़ रुपए के अन्य कार्य होंगे जिसमें तनख्वाहें वगैरह या अन्य चीज़ें होती हैं।